हाय बच्चों बारी, दिस इज योर एजुकेटर शुभम पाठक। वेलकम टू द यूनिट टेस्ट में आने वाला सबसे पहला चैप्टर जो आपके फाइनल्स तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। हमारी क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स का पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, जिसमें हम पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी में पावर शेयर करो तो क्या अच्छाइयाँ होती हैं और ना करो तो क्या क्या हो जाता है। ये चैप्टर काफी सिंपल है, ऐसे ही बहुत सारे सिंपल लैंग्वेज में बनाए हुए लेक्चर्स आपके लिए इस चैनल पे अवेलेबल हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको साइंस के साथ साथ SST भी पढ़ाती हूँ। SST तो बहुत मन लगा के पढ़ाती हूँ यार, देखो SST तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, अनलाइक पॉपुलर ओपिनियन। सो ये जिन भी स्लाइड से मैं पढ़ाती हूँ, ये NCERT से बनाई हुई स्लाइड्स हैं। ये सारी की सारी PDF के फॉर्मेट में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो सारी की सारी PDF एक साथ डाउनलोड करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो अगेन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करेगा, वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह साथ काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी ऑब्वियसली क्लास के बाद, है ना। चलिए स्टार्ट करें पावर शेयरिंग। किस किस के स्कूल में हो गया ये चैप्टर, एक बार जल्दी से यस बोल दो। हाँ जी, स्कूल में हो गया है कि नहीं। बड़ा मजेदार चैप्टर है, छोटू सा चैप्टर है, क्यूट सा एकदम। और इसमें हम दो कहानियां पढ़ते हैं, एक यूरोप के देश की पढ़ते हैं और एक अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की पढ़ते हैं, और उन कहानियों से सीखते हैं हम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस यस यस, प्रिया बोल रही है, मंजू बोल रहा है, प्रदीप बोल रहे हैं, शिवानी, तानिया, सब लोग बोल रहे हैं स्कूल में हो गया है। चलो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी के बारे में। बच्चा बीच बीच में जैसे एक टॉपिक खत्म होगा, मैं लाइव चैट से पूछूंगी अगर आपके कोई डाउट्स हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम एक चैप्टर बार 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 पढ़ाते हैं आपको, तो हमें लगता है कि अरे ये वाला टॉपिक ईजी है, पर जब आप पहली बार पढ़ रहे होते हो चैप्टर को, तो आपको डेफिनेटली वो चैप्टर ईजी नहीं लग रहा होता है और आपके मन में डाउट जरूर आते हैं। तो जब भी आपके मन में कोई डाउट आया करे, तो अगर आप लाइव देख रहे हो सेशन तो लाइव चैट में पूछ लो, अगर नहीं देख रहे हो लाइव सेशन बाद में देख रहे हो तो फिर मुझे कमेंट्स में अपना डाउट्स लिख के जरूर बताया करो, या तो मैं पर्सनली सॉल्व कर दूंगी या कोई ना कोई आपका डाउट वहां पे जरूर सॉल्व करेगा। डाउट को दिमाग में नहीं रखना है, कमेंट्स में जरूर डालना है। बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। हमने डेमोक्रेसी क्लास 9th में भी पढ़ी है, हमने देखा है कि डेमोक्रेसी इसी कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है कि पावर शेयर होनी चाहिए। क्लास 9th में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह पढ़ के आए हैं, जहां पे लोगों को पसंद नहीं आ रहा था कि राजा जो भी चाहता था करता था, रानी जो भी चाहती थी करती थी, और लोगों के हाथ में कोई पावर नहीं थी। तो वहीं से जो नेशन स्टेट बनने का एक किस्सा शुरू हुआ। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में भी हमने देखा है कि कैसे लोगों को मोनार्की पसंद नहीं आ रही थी, किंगडम पसंद नहीं आ रहे थे, और लोग धीरे धीरे नेशन स्टेट की तरफ गुजर रहे थे, है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने एक और बात पढ़ी थी, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के साथ साथ आपने फिलोसफर्स के बारे में पढ़ा था, याद है। उसमें एक फिलोसफर था जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू, याद करो मॉन्टेस्क्यू, किस किस को याद है, आया ना याद। मॉन्टेस्क्यू ने फ्रांस के रेवोल्यूशन से पहले एक फिलोसफी दी थी, ज्ञान की बात बोली थी कि पावर अगर तीन ऑर्गन्स में डिवाइड हो जाएगी तो फिर पावर की खींचातानी नहीं रहेगी, किसी एक ऑर्गन के हाथ में ज्यादा पावर होती है तो फिर वो ज्यादा बदतमीजी पे भी उतर सकते हैं, वो ज्यादा पावरफुल भी हो सकते हैं, वो ज्यादा अपने पावर को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। इसीलिए मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि राजा के हाथ में सारी पावर नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक देश के अंदर लेजिस्लेचर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए, जुडिशरी होनी चाहिए। तो ये जो मॉन्टेस्क्यू की बात है, वो सिर्फ फ्रांस की डेमोक्रेसी में नहीं, दुनिया की सारी डेमोक्रेसीज में देखी जाती है। और आज हम ऐसी ही पावर की डिविजन की कहानियां सुनने वाले हैं, विद स्टार्टिंग विद यूरोप का एक छोटा सा देश जिसका नाम है बेल्जियम। यूरोप में वैसे बड़े देश भी हैं, लेकिन छोटे छोटे देश ज्यादा हैं, जिनका एरिया कम है, पॉपुलेशन कम है। वैसा एक क्यूट सा छोटू सा देश है हमारा बेल्जियम। बेल्जियम की पॉपुलेशन आपकी हरियाणा की पॉपुलेशन के लगभग होगी। अब आप बोलोगे मैम हरियाणा की पॉपुलेशन से ही क्यों इसको हमने एक तरीके से कंपेयर किया है, तो ऐसे ही कर दिया है क्योंकि हरियाणा की हमारी कम पॉपुलेशन है, बिहार बिहार से कंपेयर कर भी नहीं सकते, वहां पे बहुत पॉपुलेशन है। तो हरियाणा जितनी इसकी कोई पॉपुलेशन है, 1 करोड़ टाइप लोग होंगे इसमें, अब थोड़े बढ़ गए होंगे। और इस तरीके का इसका मैप दिखता है, पॉलिटिकल मैप दिखता है। आसपास इसके पड़ोसी देश देखो, बड़े सुंदर सुंदर पड़ोसी देश हैं इसके, जर्मनी है, फ्रांस है इसके पड़ोस में, लक्समबर्ग है इसके पड़ोस में, लक्समबर्ग इससे भी छोटा है, फिर नेदरलैंड्स भी इसके पड़ोस में है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ओशन बॉर्डर वगैरह भी है। तो सुंदर सा छोटू सा क्यूट सा देश है। अब इस क्यूट से देश के अंदर कल्चर के बेसिस पे काफी ज्यादा वेरिएशन। एक वर्ड आता है आपके सिविक्स की बुक में बार 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 बार, वो वर्ड है एथनिक।
एथनिक का क्या मतलब होता है? एथनिक का मतलब होता है कल्चर। अब मैं आपसे पूछूं आपका कल्चर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? हम तो जी महाराष्ट्र से हैं, हम तो मराठी हैं, हम तो मराठी लैंग्वेज बोलते हैं, हम तो यू नो पूरन पोली हमें बड़ी पसंद है, और हमारी जो भाषा है उसमें ऐसा होता है वैसे होता है, हमारे ये वे लोकल डांस फॉर्म्स हैं, हमारे यहाँ लोकल कहानियां ये वाली प्रचलित है। जब भी मैं आपको आपका कल्चर डिफाइन करने को बोलूंगी, आप कुछ ऐसा ही बोलोगे, मैं भी कुछ ऐसा ही बोलूंगी, और यही सारी चीजें क्या बनाती है? कल्चर बनाती है। लैंग्वेज कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, खाना कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपके फेस्टिवल्स कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं। कल्चर इज मिक्स ऑफ ऑल ऑफ थिंग्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? सो इन दिस केस एथनिक डिविजन थी बेल्जियम में। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग कल्चर वाले लोग बेल्जियम के अंदर रहते थे। तो बेल्जियम के अंदर खिचड़ी ये थी कि तीन तरीके के लोग रहते थे। आधे लोग तो बोलते थे, मतलब कुछ लोग तो बोलते थे डच भाषा, डच भाषा बोलते थे, बेल्जियम में रहते थे। कुछ लोग बोलते थे फ्रेंच भाषा, भाई पड़ोसी देश है फ्रांस, वहां से कई लोग, कई एंसेस्टर्स आके बस गए थे बेल्जियम में, वो बेल्जियम के सिटीजन है, लेकिन वो भाषा कौन सी बोलते हैं? अपने एंसेस्टर्स वाली बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और कुछ लोग हैं जो आस पड़ोस से जर्मनी से भी आके उनके एंसेस्टर्स बसे हुए हैं बेल्जियम में, तो वो जर्मन भाषा भी बोलते हैं। तो ओवरऑल बेल्जियम में अगर आप मजोरिटी देखोगे, मजोरिटी का मतलब मोर इन नंबर, मजोरिटी का मतलब मोर इन नंबर, तो वो आपको दिखेंगे डच भाषा बोलने वाले लोग। उससे थोड़ा सा कम माइनॉरिटी में दिखेंगे आपको फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग, और उससे भी कम आपको दिखेंगे 1% जर्मन स्पीकिंग यानी कि जर्मन भाषा बोलने वाले लोग। तो इस क्लास के लिए, इस चैप्टर के लिए आपको इस सेक्शन को इग्नोर करना है, क्योंकि कल्चर डेफिनेटली डच का फ्रेंच से अलग है, फ्रेंच का जर्मन से अलग है, सबका आपस में अलग है, लेकिन लड़ाई झगड़े की जो बातें हो रही थी वो इन दोनों के बीच में हो रही थी, डच और फ्रेंच के बीच में। अब देखो बड़ा अच्छा सा एक ज्योग्राफिकल डिवीजन भी है, ज्योग्राफिकल मतलब एरिया भी अलग अलग डिवाइडेड है। ये बेल्जियम का मैप है, तो बेल्जियम के ऊपर वाले हिस्से में, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। क्या बोलते हैं? फ्लेमिश रीजन। भाई हमारे यहाँ भी तो बोलते हैं नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया ऐसे बोल देते हैं, ये फ्लेमिश रीजन, यहां पर रहते हैं डच भाषा बोलने वाले लोग, जो कि किसमें है, कंट्री लेवल पे ज्यादा संख्या में, मेजोरिटी में। नीचे वाले हिस्से में रहते हैं यहाँ पे वेलोनिया, वेलोनिया वाले रीजन में रहते हैं फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग, जो कि क्या है, माइनॉरिटी में है, 40% है, 50% 59% डच है और वेलोनियन में है आपके 40% फ्रेंच। अब ये पूरी की पूरी सिचुएशन एकदम उलट पुलट हो जाती है देश की राजधानी में। देश की राजधानी है ब्रुसेल, है ना? ब्रुसेल में क्या है कि फ्रेंच लोग मेजोरिटी में, 80% जनता जो ब्रुसेल में रहती है वो फ्रेंच है और 20% जनता डच है। तो कितना अलग सा केस है, छोटू सा, क्यूट सा, लिटिल सा देश, लेकिन ओवरऑल कंट्री में मेजोरिटी कोई और है और कैपिटल लेवल पे मेजोरिटी कोई और है। और तो और डच बोलने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि कंट्री की जो माइनॉरिटी है, कंट्री लेवल की माइनॉरिटी यानी कि जर्मन भाषा बोलने वाले लोग या स्पेशली फ्रेंच भाषा वाले बोलने वाले लोग, वो ज्यादा डेवलप हो गए, इसीलिए फ्रेंच भाषा और डच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में थोड़ी सी एनिमोसिटी है, थोड़ी सी नफरत है, थोड़ा सा अलगाव है। और ये अलगाव 1950s और 1960s के दशक में बहुत बढ़ रहा था। अगर ये अलगाव बढ़ता रहता, सरकार कोई अच्छा कदम नहीं उठाती, तो हो सकता है फ्रेंच भाषा और डच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में लड़ाइयां हो जाती, दंगे हो जाते, रायट्स हो जाते। रायट्स का मतलब दंगे हो जाते, क्या पता कॉमनल रायट्स भी हो जाते, क्या पता पूरे देश में आगजनी हो जाती, है ना, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाता तो। तो आपको बात समझ आई कि क्या मुद्दा था, कहां पे चिंगारी उठ रही थी, लेकिन चिंगारी को उठने नहीं दिया गया, चिंगारी को आग में नहीं बदलने दिया गया, दोनों की कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई झगड़ा आखिर नहीं हुआ, ठीक है ना, ब्रुसेल्स में हुआ, क्योंकि ब्रुसेल में वो प्रॉब्लम बिल्कुल उल्टी हो गई थी, ना कंट्री लेवल पे हुआ यानी कि बेल्जियम लेवल पे हुआ, राइट? सो टेंशन बनी, लेकिन टेंशन से हमारा कॉमनल राइट्स या फिर ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। अब श्रीलंका का केस देखते हैं। श्रीलंका भी बड़ा छोटू सा देश है, इनफैक्ट श्रीलंका तो क्या है, आइलैंड। आइलैंड क्या होता है बच्चा, जो जमीन का टुकड़ा चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे बोला जाता है आइलैंड। तो हमारा श्रीलंका आइलैंड है, इंडियन ओशन के बीचों बीच में तो बना हुआ है, साथ में अलग अलग ओशंस भी हैं। तमिलनाडु से नीचे जाओगे तो आपको टीयर ड्रॉप की तरह इंडियन मैप के नीचे दिखता है हमारा पड़ोसी देश तमिलनाडु, सॉरी श्रीलंका। श्रीलंका में भी कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं है, श्रीलंका में थोड़े से ज्यादा लोग होंगे हरियाणा से, मतलब 1.5-2 करोड़ लोग होंगे। अब उन 1.5-2 करोड़ लोगों में इतना कल्चर डिफरेंस है, इतनी लड़ाइयां हैं, इतनी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी कोई बुरी बात नहीं होती, अलग अलग होना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप
अलग अलग हो, इस बात को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हो, ये जरूर बुरी बात है ना। हमारी क्लास में भी हम जाते हैं देखते, तो अलग अलग बच्चे बैठे होते हैं, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई साइंस में, कोई एसएसटी में, राइट। किसी के बाल लंबे, किसी के बाल छोटे हैं, कोई पर्टिकुलर कास्ट का है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन का है। बट अगर उसमें लड़ाई झगड़ा हो जाए डाइवर्सिटी में तो प्रॉब्लम होती है। अब श्रीलंका में कुछ ऐसा ही हुआ। श्रीलंका का अगर कल्चरल डिफरेंस देखो तो सबसे ज्यादा वहां पे सिन्हाला भाषा बोली जाती है। वहां की भाषा कौन सी है? सिन्हाला भाषा। 74% श्रीलंकन्स क्या बोलते हैं? सिन्हाला भाषा बोलते हैं। बाकी के 18% जो है आपकी तमिल भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तमिल भाषा। हो गया याद? एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी, नो कंफ्यूजन। बाकी जो बच्चे कुछ लोग हैं 2-4% वो अलग भाषा बोलते हैं, वो अभी आप छोड़ दो। इतना समझो कि मेजोरिटी सिन्हाला बोलती है और माइनॉरिटी तमिल बोलती है। और अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे श्रीलंका को कुछ ऐसे डिवाइड किया जाता है। ये नॉर्दर्न हिस्सा है जो जाफना है, जो इंडिया से कनेक्टेड है, वो इंडिया वाली साइड है, वो जाफना है। नीचे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोलंबो है, कोलंबो पूरा बीच साइड पे है, बीच वाले हिस्से को कैंडी बोलते हैं। आप ईस्ट में देख रहे हो यहाँ पे त्रिनकोमली है और बैटिकोलोआ। तो इस तरीके से श्रीलंका का मैप है। ये सारी चीजें आपको याद नहीं करनी है, जस्ट मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि जाफना इंडिया वाली साइड है, कोलंबो थोड़ा नीचे है। अब ये तमिल पॉपुलेशन जो हमने देखी ना, 18% तमिल पॉपुलेशन, इसमें भी अलग अलग डिवीजन है, इसमें भी अलग अलग कल्चर है। क्यों? भाषा तो तमिल ही है, लेकिन कुछ तमिल हैं जिनके एंसेस्टर्स, जिनके फोर फादर्स जो हैं श्रीलंका में ही पैदा हुए थे, जो इनका खानदान बेसिकली ओरिजिनली श्रीलंका से है, उन्हें तो आप बोलते हो श्रीलंकन तमिल। उस 18% में से भी 13% जो हैं वो श्रीलंकन तमिल हैं और जो 5% हैं वो इंडियन तमिल हैं। आपने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में भी पढ़ा है ना कि इंडिया पे तो ब्रिटिशर्स राज करके गए, ब्रिटिशर्स श्रीलंका में भी राज करते थे, बहुत सारे देशों पे राज करते थे, ठीक है, सबको कॉलोनीज बनाया हुआ था। तो कई जगह कॉलोनीज में वो इंडिया से वर्कर भेजा करते थे, तो श्रीलंका एज अ प्लांटेशन कॉलोनी इस्तेमाल की जाती थी, वहां पे चाय पत्ती उगाई जाती थी, कॉफी उगाई जाती थी और इंडिया से वर्कर्स को झांसा देके वहां पे भेजा जाता था बॉन्डेड लेबर की तरह। तो जो लोग वहां पे बॉन्डेड लेबर की तरह पहुंचे, कुछ लोग तो वापस आ गए भारत, ठीक है, कुछ लोग वहीं पे बस गए। तो जो लोग वहीं पे बस गए वो तो आज श्रीलंका के सिटीजन हैं, लेकिन उन्हें बोला क्या जाता है? उन्हें बोला जाता है श्रीलंकन तमिल्स नहीं, उन्हें बोला जाता है आज भी इंडियन तमिल्स। तो एथनिक डाइवर्सिटी देखो, मेजॉरिटी पॉपुलेशन सिन्हाला बोलती है, माइनॉरिटी तमिल बोलती है। तमिल के अंदर भी आपके दो सेक्शन से, भारत वाले तमिल लोग और श्रीलंका वाले तमिल लोग। अब इसमें रिलीजन का भी तड़का लग जाएगा, रिलीजन का तड़का है। जो लोग सिन्हाला बोलते हैं मोस्टली वो लोग किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं? बुद्धिस्ट रिलीजन को बिलोंग करते हैं। आ रहा है समझ की नहीं? मैम व्हेन यू डू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आई विल डू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो। मेरे चैनल पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं, आप किसी भी चैप्टर का सर्च करो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है, उसमें एमसीक्यूज हैं, थोड़ा सर्च तो करो भाई। शुभम पाठक, पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा लिखो। आपको कोई ना कोई वीडियो ना मिले तो मेरे को बताना। क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिन्हालीज इन श्रीलंका। सिद्धि पूछ रही है मैम, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिन्हालीज इन श्रीलंका? आ सकता है, बट ये मैथ्स का पेपर नहीं है, ये एसएसटी का पेपर है, तो ऐसे कम चांसेस हैं, पर आ तो सकता है। मैम असर्शन और रीजनिंग ये सब करवा चुकी हूँ, रवि मैं फिर से आपके हाफिली आएंगे ना, फिर से क्वेश्चन कराऊंगी मैं आपको। मैम बेस्ट है, ठीक है, सूरज सो स्वीट ऑफ यू। मैम बेल्जियम एंड श्रीलंका का पॉपुलेशन, ये तो चला हो गया आंसर। एनीवे, रिलीजन की तड़के की बात करते हैं, तो सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग क्या है? बुद्धिस्ट रिलीजन को बिलोंग करते हैं। अब और जो तमिल भाषा बोलते हैं वो या तो हिंदूज हैं या मुस्लिम हैं। कुछ 7% लोग वहां पे क्रिश्चियन भी हैं, उस क्रिश्चियन में से कुछ लोग हैं जो सिन्हाला बोलते हैं, कुछ लोग हैं जो तमिल बोलते हैं, कुछ लोग हैं जो थोड़ी और भाषा, अलग भाषा बोलते हैं। तो अभी क्रिश्चियन कम्युनिटी को हम आज की क्लास के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो लड़ाई होने वाली है वो मेजोरिटी दो पॉपुलेशन में होने वाली है, एक बुद्धिस्ट लोगों के बीच में और एक हिंदू और मुस्लिम जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो इन दो सेक्शन के बीच में झगड़े शुरू होने वाले हैं, जिस झगड़े का नाम है, जिस झगड़े की जड़ है मेजॉरिटेरियनिज्म। बच्चा मेजॉरिटेरियनिज्म एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसी विचारधारा है जिसका मानना यह है कि जो भी लोग मेजॉरिटी में हो उन्हीं को राज करना चाहिए। अब आप खुद सोचो, आपकी क्लास में मान लो लड़के ज्यादा हैं, ठीक है, ओवरऑल भी इंडिया में लड़के ज्यादा है, तो मान लो क्लास में लड़के ज्यादा हैं, तो लड़कों के लिए लड़कों को चाहिए कि गेम्स पीरियड में मान लो ड्राइंग करें, लड़कियों के चाहिए कि गेम्स पीरियड में बास्केटबॉल खेलें, जस्ट इमेजिन। और लड़के क्योंकि ज्यादा हैं और वो ड्राइंग पीरियड लग जाए तो ये थोड़ा गलत है,
क्योंकि लड़कियों को फिर ये लगेगा यार हम क्या करें, हमें तो करनी ही नहीं थी ड्राइंग, हमें तो बास्केटबॉल खेलना था, राइट। अब सिमिलरली कंट्री का सोचो, कंट्री में अलग अलग रिलीजन अलग अलग भाषा के लोग हैं। ऑब्वियसली कोई रिलीजन कोई कास्ट कोई भाषा हो सकता है ज्यादा मात्रा में हो, लेकिन हम डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी में तो हम सबको क्या बिलीव करते हैं कि सब होते हैं इक्वल। अब ऐसी इक्वालिटी वाली डेमोक्रेसी में अगर हम बोले कि एक पर्टिकुलर रिलीजन की ही बात मानी जाएगी, पर्टिकुलर कास्ट की ही बात मानी जाएगी, गलत है, क्योंकि डेमोक्रेसी बेस्ड ही किस पे है, पॉलिटिकल इक्वालिटी पे है। और इसी गलत चीज को बोला जाता है मेजोरिटेरियनिज्म। व्हेन देयर इज अ बिलीफ दैट कंट्री शुड बी रूल्ड बाय ओनली मेजोरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी की विशेष को या जरूरतों को डिसरिगार्ड करके सिर्फ मेजोरिटी को केटर करना चाहिए, ऐसी विचारधारा को मेजोरिटेरियनिज्म बोला जाता है, जो बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र के आइडिया के ही खिलाफ है। अब श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश तो था ही, साथ में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस भी अपन से थोड़े से दिन बाद मिल गई, अगले ही साल मिल गई, 1948 में। कब मिली? 1948 में, हमसे एक साल बाद। अब क्या हुआ, क्योंकि देश में सिन्हाला बोलने वाले लोग ज्यादा थे, तो जब डेमोक्रेसी आई श्रीलंका में 1948 में, इलेक्शंस हुए पार्लियामेंट के लिए, गवर्नमेंट बनी, तो गवर्नमेंट में भी ऑटोमेटिकली, क्योंकि कोई रिजर्वेशन नहीं दिया, देखो हमारे देश में तो रिजर्वेशन था, हमने अलग अलग रिलीजन को अलग अलग कास्ट ग्रुप को हमने रिजर्वेशन दिया, क्योंकि हम जानते थे कि माइनॉरिटी है तो उनको एक्स्ट्रा पुश देना पड़ेगा। हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में, श्रीलंकन डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली जब देश में सिन्हाला बोलने वाले लोग ज्यादा है, तो उन्हीं की ज्यादा पॉसिबिलिटी है गवर्नमेंट में आने की। पॉसिबिलिटी बात करूं, कॉमन सेंस की बात करूं, तो वही हुआ। सिन्हाला की जो गवर्नमेंट बनी, सॉरी श्रीलंका की जो गवर्नमेंट बनी, उसमें ज्यादातर लीडर सिन्हाला कम्युनिटी के थे, क्योंकि ज्यादातर लीडर सिन्हाला कम्युनिटी के थे, तो उन्हें लगता था कि हमारी ही कम्युनिटी का भला हो। तो ये जो डेमोक्रेसी से इलेक्ट हुई गवर्नमेंट थी, वो धीरे धीरे अपने रंग दिखाने लग गई, और वो धीरे धीरे सिर्फ मेजोरिटी कम्युनिटी यानी सिन्हाला बोलने वाली कम्युनिटी की सुप्रीमेसी यानी कि डोमिनेशन को स्थापित करने लगी, कि भाई बस हम ही हम है, बाकी सब पानी कम है। गलत बात है, इक्वालिटी के खिलाफ है, राइट। 1956 में, आप कोई सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस चैप्टर से पता है क्या बनता है, कि प्रूफ करो कि श्रीलंका की गवर्नमेंट मेजोरिटेरियन क्यों कहलाती है। जब भी ये प्रूफ करने के लिए आएगा तो आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, एग्जांपल लिखने पड़ेंगे, वही मैं बता रही हूं। 1956 में एक लॉ बना दिया गया, एक एक्ट पास कर दिया गया, जिसने बोला कि आज से हमारे देश की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, सिर्फ एक, और वो है सिन्हाला। क्यों भाई, बाकी भाषाएं नहीं बोली जाती तुम्हारी देश में? तमिल लोग क्या करेंगे, तमिल लोगों को अपनी भाषा के लिए बुरा लगा, ऑब्वियसली उन्होंने आवाज उठाई, उनकी किसी ने नहीं सुनी। सिन्हालीज वर गिवन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट जॉब एंड यूनिवर्सिटी प्रोजेशन। दूसरी क्या गलत चीज की, धीरे धीरे अगर आप सिन्हाला बोलते हो और आपके रिज्यूमे पे सीवी पे लिखा है कि आप सिन्हाला बोलते हो, तो आपको जॉब्स में भी प्रेफरेंस मिलने लग गई, चाहे वो पब्लिक जॉब हो या फिर यूनिवर्सिटी की जॉब हो या गवर्नमेंट की जॉब हो, ठीक है। अगेन तमिल बोलने वाले लोगों को लगा कि हमने क्या गलत किया है, सिर्फ हमारी भाषा के बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेट क्यों किया जा रहा है। फिर और सुनो, तीसरा पॉइंट ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी फेर बदल कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक प्रोविजन डाल दिया गया कि आज से श्रीलंकन गवर्नमेंट बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉस्टर करेगी। फॉस्टर का मतलब क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, भाई बचाएगी, संभालेगी, संभालेगी, सपोर्ट करेगी। क्यों, हिंदूज का क्या, मुस्लिम्स का क्या, क्रिश्चियंस का क्या, आप इक्वालिटी तो दे ही नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो सिर्फ बुद्धिस्ट रिलीजन, और बुद्धिस्ट रिलीजन किसका है, सिन्हाला बोलने वाले लोगों का। तो क्लियरली इन तीनों चीजों से समझ आता है कि सिन्हाला की डोमिनेशन को स्थापित किया जा रहा था। अब इसी पे लोग आवाज उठा रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोग बोल रहे थे गवर्नमेंट को कि आप ऐसा मत करिए, हमारी भाषा पे भी ध्यान दीजिए। श्रीलंकन तमिल्स को जो है एलियनेटेड फील हो रहा था, एलियनेटेड का मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था क्या ये हमारा देश नहीं है, हम तो श्रीलंका के ही हैं, हम तमिल भाषा बोलते हैं तो क्या हो गया, तो हम तमिल भाषा बोलने पर हमें अपने देश से निकाल दिया जाएगा क्या, हमारे ही अपने देश में डेमोक्रेसी में डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा क्या, तो उन्हें बुरा लग रहा था, एलियनेटेड फील हो रहा था। तो फिर श्रीलंकन तमिल्स ने रिएक्ट किया, उन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जाके बोला कि यार हमारे हित में भी कुछ तुम करो, हमारे लिए, हमारे साथ प्रोटेस्ट में खड़े रहो, लेकिन एक भी पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं आई। तो उन्हें धीरे धीरे लगने लग गया कि भाई ये लीडर्स भी हमारे सगे नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारी सगी नहीं है, ये गवर्नमेंट भी हमारी सगी नहीं है, हमारे कल्चर को, हमारे भाषा को, तमिल भाषा को दबाने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट उन्हें तो ये भी विश्वास हो गया कि जो श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हर गवर्नमेंट से ऊपर होता है, बच्चा गवर्नमेंट संविधान के लिए होती है, संविधान गवर्नमेंट के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो संविधान जो सबसे अच्छी चीज और सबसे सुप्रीम चीज होती है एक डेमोक्रेसी में, उसने
उसमें ही जब आपने फेर बदल कर दिया, उसमें ही आपने डिस्क्रिमिनेशन का क्लॉज डाल दिया सिन्हाला और तमिल बोलने वालों के बीच में, जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन किया, पॉलिटिकल राइट्स में किया, तो ऑब्वियसली तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को काफी बुरा लगा और उन्होंने आवाज भी उठाई, उन्होंने बोला, उन्होंने बार बार स्ट्रगल करके बोला कि हमारी भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, हमें रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, मतलब कि श्रीलंका जितना भी बड़ा है उसमें से कुछ हिस्सा हमारे नाम कर दो भाई, कुछ हिस्से में तुम सिन्हाला बोलने वाले लोग रहो, कुछ हिस्से में हम रहे तमिल बोलने वाले लोग, राइट, रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, मतलब कि देश एक ही रखो लेकिन हमारा यहाँ पे डोमिनेशन स्थापित कर दो, तुम अपना डोमिनेशन कहीं और स्थापित कर लो, ऐसे भेदभाव मत करो, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, ये जॉब्स में तुमने क्या भाषा का डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो, हमारा मेरिट देखो, भाषा मत देखो, राइट, ये सारी की सारी बातें हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ, सरकार ने सुना ही नहीं तमिल बोलने वाले लोगों के बारे में, कुछ भी उनका एक भी पॉइंट कवर नहीं किया गया। फिर ये सब तो शुरू हुआ था देखो 1950s और 1960s से, 1950s से 1960s के बीच में सिर्फ ये चीजें मांगी जा रही थी, जब नहीं सुनी गई तमिल भाषा बोलने वाले लोगों की डिमांड, तो 1980s से सब लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया, सारी के सारे तमिल भाषा वाली पॉलिटिकल पार्टीज ने, कि हमें तो अब सेपरेट देश चाहिए, वी वॉन्ट एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम, तमिल एलम का मतलब तमिल स्टेट यानी कि तमिल नेशन, सो दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर अ सेपरेट एरिया ऑल टुगेदर, वो कह रहे थे कि बंटवारा ही कर दो, नॉर्थ का जो श्रीलंका का हिस्सा है या ईस्ट का जो श्रीलंका का हिस्सा है जहां तमिल बोलने वाले लोग ज्यादा है वो हमारे नाम कर दो, ठीक है, तो इस तरीके की बातें हुई। याद रखना पहले तमिल एलम की मांग नहीं की गई थी, तमिल एलम यानी कि तमिल स्टेट की मांग 1980s में की गई थी, फिर भी सरकार ने नहीं सुनी बातें, सिन्हाला बोलने वाले लोग और तमिल बोलने वाले लोगों के बीच में बंटवारा होता रहा, डिविजन्स होती रही, मिस्ट्रस्ट होता रहा, और जैसे हमारे देश में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में इतनी लड़ाइयां हुई, उसी तरीके से इस कंट्री के अंदर ही सिन्हाला बोलने वाले और तमिल बोलने वाले लोगों के बीच में लड़ाई हुई, और इसी को बोलते हैं बच्चा सिविल वॉर, जब कंट्री में एक देश के अंदर दो मेजर कम्युनिटीज लड़ रही होती है, कुछ 150-200 लोग नहीं लाखों लोग लड़ रहे हैं जो दो पर्टिकुलर कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं, तो उसे बोला जाता है वॉर बिटवीन द सिटीजन्स, और वॉर बिटवीन द सिटीजन्स इज नोन एज सिविल वॉर। बाय चांस अगर बेल्जियम में भी लड़ाई हो जाती है डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच में, उसे भी हम सिविल वॉर ही बोलते हैं, ठीक है, तो वहां नहीं हुआ, श्रीलंका में हमारी सिविल वॉर हो गई, हजारों लोग मारे गए, कई लोग रिफ्यूजी बन गए, भाई रिफ्यूजी का मतलब उनका घर बार टूट गया, उन्हें पता ही नहीं था अब जाएं कहां, सरकार तो अपनी सुनी नहीं रही है, इंडिया में जाएं किसी और देश में जाएं, पैसे हैं नहीं, तो रिफ्यूजी बन गए। व्हेन यू हैव नो वेयर टू गो, नो होम टू क्लेम, यू बिकम अ रिफ्यूजी, ठीक है, बहुत सारा सोसाइटी का लॉस हुआ, कल्चर का लॉस हुआ, इकोनॉमी का लॉस हुआ, पता है आपको श्रीलंका का जीडीपी जो है बहुत ग्रोथ से देखा जाता था उस टाइम पे, लेकिन ये सिर्फ सिविल वॉर की वजह से कंट्री का इकोनॉमिक इतना लॉस हुआ कि आज आप देख ही रहे हो कि श्रीलंका एक तरीके से बैंकरप्ट हो गया, एज अ कंट्री एज अ नेशन ही श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है ना, उसका मेजर कारण उस जमाने से चली आ रही सिविल वॉर भी है। सिविल वॉर कहीं 2009 में जाके खत्म हुई, लेकिन आज भी उसके जो अंडर करंट्स हैं, मतलब एक बात लड़ाई इतनी लंबी लड़ाई जो चली खत्म तो हो गई, लेकिन आज भी उसके रिपरकॉशंस या रिजल्ट्स हमें श्रीलंका में देखने को मिलते हैं। तो व्हाट इज अ सिविल वॉर, जब एक वायलेंट कंफ्लिक्ट होता है दो अपोजिंग कम्युनिटीज के बीच में और वॉर लाइक सिचुएशन बनती है तो उसे हम सिविल वॉर बोलते हैं। तो पहले तो तमिल भाषा बोलने वाले लोग जो है प्यार प्यार से पॉलिटिकल पार्टीज लीडर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट से मांगे उठा रहे थे, बाद में जाके जब सिविल वॉर छिड़ने लग गई 1980s के टाइम पे, जब वॉर का माहौल बनने लग गया, तब बहुत सारे लोगों ने लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम LTTE जैसी वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन, गुरिल्ला ऑर्गन यानी कि वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो गई 1976 में, और कई सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करने लग गए, इसका मेंबर भी बनने लगे, दिस वाज अ वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब ऐसा कुछ बेल्जियम में क्यों नहीं हुआ, श्रीलंका ने ऐसा क्या गलत किया कि बेल्जियम में तो कोई लड़ाई नहीं हुई, इनफैक्ट बेल्जियम आज भी जो है यूरोप की वन ऑफ द बेस्ट डेमोक्रेसीज में काउंट होता है, then what happened in Sri Lanka that did not happen in Belgium? I'll tell you what. Belgium ने समझदारी दिखाई, बेल्जियम ने दूसरा रास्ता अपनाया, बेल्जियम ने पहली बात तो माना, हाँ मानना बहुत जरूरी है, पहली बात माना, हाँ हमारे देश में कल्चरल डिफरेंसेस हैं, रीजनल डिफरेंसेस हैं, हाँ हमारे बीच में डच बोलने वाले फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच में टेंशन क्रिएट हो रही है, अब इस टेंशन का सोल्यूशन निकालना है हमें। 1970 से 1993 के बीच में, कुछ 23 साल हो गए, 1970 से 1993, some 23 years,
23 ईयर्स के बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार थोड़ा 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 बदला, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए. और ये बदलाव क्यों कर किए जा रहे थे? श्रीलंका में बदलाव किए जा रहे थे सिनालीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहां पे बदलाव किए जा रहे थे बेल्जियम में दोनों कम्युनिटीज को आपस में प्यार से पीसफुली अकोमोडेट करने के लिए, रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए, पावर को डिवाइड करने के लिए, इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए. तो फर्क देख रहे हो, इंटेंशन का ही फर्क है. बेल्जियन मॉडल, बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में जो 4 चेंजेस हुए बार बार, उसमें से पहला चेंज था जब बेल्जियम ने बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, देखो बेल्जियम में फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब कि पावर का डिवीजन है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना इंडिया में सेंटर की स्टेट अलग होती है, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं विधानसभा और राज्यसभा, सॉरी लोकसभा और राज्यसभा, और विधानसभा अलग होती है, स्टेट की स्टेट्स अलग होती है ना, स्टेट की गवर्नमेंट महाराष्ट्र की अलग है, कर्नाटका में अभी इलेक्शन हुए हैं, अभी राजस्थान में होने वाले हैं अगले 4-5 महीने में, है ना, तो ये स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है. वैसे बेल्जियम में भी अलग है, बेल्जियम में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसे यूनियन गवर्नमेंट बोलते हो आप, और एक है आपकी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है, जितनी स्टेट उतनी गवर्नमेंट. ब्रुसेल भी एक पर्टिकुलर सिटी है, कैपिटल सिटी है, तो उसकी भी अपनी गवर्नमेंट है. तो हुआ क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया गया कि डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर्स जो हैं इक्वल रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में. तो यहाँ पे डच लोगों की मेजोरिटी थी कंट्री लेवल पे, लेकिन डच लोगों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बोला कि कोई बात नहीं, हम सारे मतभेद भूल के हम ये मान रहे हैं कि फ्रेंच बोलने वाले लोग और डच बोलने वाले लोग इक्वल नंबर में रहेंगे हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट में. फिर फ्रेंच लोगों ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उन्होंने बोला ब्रुसेल के अंदर जो सेपरेट गवर्नमेंट बनी है, कैपिटल सिटी में जो सेपरेट गवर्नमेंट बनी है, हम वहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हैं. अब वहां पे फ्रेंच बोलने वाले लोग 80% थे, चाहते तो वो मुकर सकते थे, लेकिन दोनों कम्युनिटीज ने दोस्ती की. साथ में स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ये प्रोविजन बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर होगी, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हाथ फैलाती नहीं रहेगी कि हमें पैसे दे दो पावर दे दो पैसे दे दो पावर दे दो. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग पावर, स्टेट गवर्नमेंट की अलग पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पॉलिटिशियंस, एंड ब्रुसेल लेवल पे भी इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग लीडर्स. बेसिकली तीसरी तरीके की गवर्नमेंट बनाई उन्होंने, कम्युनिटी गवर्नमेंट. कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? सोसाइटी का एक अंग. कम्युनिटी का मतलब अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, है ना. फॉर एग्जाम्पल हिंदी बोलने वालों को आप एक कम्युनिटी बोल सकते हो, यूपी में रहने वालों को आप एक कम्युनिटी बोल सकते हो, किसी भी आधार पे कम्युनिटी बन सकती है. यहाँ पे जब हम कम्युनिटी गवर्नमेंट कह रहे हैं तो हमारा मतलब है लैंग्वेज बेस्ड कम्युनिटी. क्या मतलब है? लैंग्वेज बेस्ड. जैसे कि डच बोलने वाले लोग एक कम्युनिटी हैं, फ्रेंच बोलने वाले लोग दूसरी कम्युनिटी हैं, और जर्मन बोलने वाले तीसरी कम्युनिटी हैं. जैसा कि हमने पहले सीखा चैप्टर के अंदर कि लैंग्वेज से कल्चर डिफाइन हो जाता है, लैंग्वेज कल्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो डच बोलने वाले लोगों का कल्चर अलग है, फ्रेंच का अलग है, जर्मन का अलग है, राइट. तो बेल्जियम की गवर्नमेंट इतनी स्मार्ट निकली कि उसने 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना दी कि भाई लैंग्वेज से रिलेटेड जो आपको लॉज बनाने हैं, एजुकेशनल लॉज बनाने हैं, यू नो कल्चरल लॉज बनाने हैं, वो आप अपने लोगों के साथ मिलकर बनाओ. तो मान लो फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है ना बेल्जियम में, उसमें वोटर सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं. डच कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है बेल्जियम में, उसके वोटर सिर्फ वो इलेक्ट करते हैं डच बोलने वाले लोग, सिमिलरली जर्मन का. तो कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम है अपने कल्चर और एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करना, और उन पे लॉज बनाने हैं तो बना सकते हैं अपने लोगों के लिए, अपनी लैंग्वेज वाले लोगों के लिए. वो इकोनॉमिक लॉज नहीं बना सकते. देखो इकोनॉमिक लॉज तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ ये हैं. ये भी क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो मैंने सोचा बता दूं, इकोनॉमिक लॉज नहीं करती है कम्युनिटी गवर्नमेंट, राइट. सो बेल्जियम का मॉडल देखने में कॉम्प्लेक्स जरूर लगता है कि यार ये क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी कॉन्सेप्ट है, फेडरल स्ट्रक्चर भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, ये भी है, वो भी है, ये सब कुछ दिखता जरूर है कॉम्प्लिकेटेड. लेकिन इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से ये जो दो कम्युनिटीज हैं, फ्रेंच और डच, इनके बीच में झगड़ा जो हो रहा था वो प्यार में तब्दील हो गया यार. जैसे ही लैंग्वेज के लाइन पे डिविजन होने के चांसेस बन रहे थे कि क्या पता देश में लैंग्वेज के बेसिस पे बंटवारा हो जाए, छोटा सा देश बट जाए, वैसे वो बंटवारा तो छोड़ो, इतना ज्यादा यूनिटी हो गई दोनों कम्युनिटी में इस अकोमोडेशन की वजह से, इस पावर शेयरिंग की वजह से, कि आज ब्रुसेल एक मिसाल माना जाता है डेमोक्रेसी की, राइट. सो यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपकी UNDP होती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है, WHO होती है, वैसे एक यूरोपियन यूनियन है जो यूरोप के देशों का बना हुआ यूनियन है, जो यूरोप के देशों का इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल तो नहीं, ये सारे के सारे
मुद्दों के बारे में बात करते हैं और संगठित रहते हैं। तो यूरोपियन यूनियन का जब हेडक्वार्टर चूज किया जा रहा था, अब हेडक्वार्टर तो एक पर्टिकुलर सिटी में होगा, एक पर्टिकुलर कंट्री में तो नहीं हो सकता, एक छोटी सी जगह पे होगा, तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर रखा गया ब्रुसेल को। वन मार्क का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू नो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, इस साल भी आने की पूरी उम्मीद है। दैट विच सिटी वॉज चोजन एज द और इज चोजन एज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, या फिर ब्रुसेल किस चीज की हेडक्वार्टर की तरह चूज किया गया, ऑल बिकॉज की डेमोक्रेसी बेल्जियम की इतनी पसंद आई लोगों को कि उन्होंने उसकी कैपिटल सिटी को बना दिया अपना हेडक्वार्टर। सो दिस वॉज इट फॉर टूडे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग इन दोनों देशों में हुई, इसीलिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल कैसे है और पावर शेयरिंग को करने के क्या अलग अलग तरीके हैं। आई होप यू एंजॉय टूडेज लेक्चर। मैं दे रही हूँ दो होमवर्क क्वेश्चन, एक है आपका होमवर्क क्वेश्चन ये और एक है आपका होमवर्क क्वेश्चन ये। दोनों होमवर्क क्वेश्चन के आंसर मुझे चाहिए कॉमेंट्स में, ठीक है? ये तो हो गया, ये तो कमेंट्स में मुझे चाहिए। जितने बच्चे देख रहे हैं, एक तो वीडियो लाइक कर देना, ये नोट्स डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मन हो तो कर लेना, लेकिन ये आंसर मुझे कमेंट्स में बता देना। तीसरी बात, एक क्वेश्चन दे रही हूं जो 3 से 5 मार्क्स के बीच में आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, इसका आंसर मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। जो मैं नोट्स दे रही हूं ना टेलीग्राम पे और डिस्क्रिप्शन में, उसमें है इसका आंसर, बट पहले खुद से ट्राई करना करने का, ठीक है? कि बेल्जियम ने अपनी एथनिक प्रॉब्लम्स को भाई कैसे सॉल्व किया। डन हो जाएगा इतना। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू परसों। परसों मिलते हैं, परसों क्या तारीख है, 7 जून को 7 बजे मिलते हैं विद द पार्ट 2। सारे दोस्त पार्टी को, बच्चा पार्टी को बता देना, खूब सारे फ्रेंड्स के साथ आके पढ़ना, एंड आई विल सी यू। टेक केयर एंड बाय बाय।